स्कूल से सुबह की थी उसकी, तो यहाँ पे देखिए अम्मी आए हैं। तो कल हमारे घर में कल फंक्शन है, अम्मी के घर में है, तो यहाँ पे देखिए माइन सलाम कर। तो अभी ये जा रही है स्कूल, अभी ये आएगी 5 बजे स्कूल से। और यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड साहब जी जा रहे हैं। तो अभी जा रहा था मैं को लेके, तो मैं छोड़ के जाएंगे फिर से आना। अभी जाना है 1 घंटे में, देखेंगे 1 घंटे में कितना आपके लेकर थे। कई कार्य हैं, मैं पापा को लेके जाना है और मामा को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाना है और इंजेक्शन बोले इंजेक्शन करना है। कल तो इंजेक्शन भी हुआ, ऑक्सीजन भी हुआ, आज 2 टाइम लगाना है ऑक्सीजन। तो क्या बोल रहा है डॉक्टर, देखेंगे। अभी तो उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया है, आप लोग दुआ कीजिए उसके लिए। तो अभी चलता हूँ मैं, तो अब का कंटिन्यू करेंगे। चलो जा कहो, जा रही है माँ, जाइए पाउडर का सीधा लगा ले। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे थोड़ा खेल रहा है बाबा, तो उसको शूज वगैरह सब उसको गर्म रखे है। यहाँ पे अम्मी आए हैं, तो हमारे अम्मी के घर में फंक्शन है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेबी देख के हंस रहा है, तो उसको लेके जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। अभी ये भी आ गए, तो दोपहर हो गई, दोपहर बोले तो अभी 12 बजे क्या डेढ़ बज रहे हैं, तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो भाड़ा गए थे, इसलिए थोड़ा लेट होकर आए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, बेबी को वो ऑक्सीजन जो बोलते हैं वो लगाएंगे और उसके बाद अम्मी के घर जाऊंगी मैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन है, मेरे भाई की बेटी का एंगेजमेंट है, तो मैं भी कहीं बुला रहे सब लोगों, तो इसलिए अमीन देखे यहाँ पे अमीन भी है, अमीन जाएगा अभी अम्मी के घर। अनम तो जा चुकी है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हॉस्पिटल। कल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करी, उसके लिए दिल से शुक्रिया। वैसे भी अभी थोड़ा ये ठीक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा कफ है उसको, और एक बार ऑक्सीजन लगाएंगे तो कम हो जाएगा वो। तो चलते हैं, देखिए ऊपर जा रहे हैं और साथ में अमीन भी आया है हमारे। नहीं जी आज अमीन भी आया है साथ में, अनम नहीं आई, अनम तो आई नहीं, क्या मालूम कर दी है क्या, देखना पड़ेगा। वहाँ पे लिखा रहे हैं वो चीटी हस्बैंड साहब, गद्दल बहुत ज्यादा है नहीं। फ्रेंड्स देखिए अभी बहुत ज्यादा गर्दी हो गई है, हम 1 बजे आए थे, 1:15 बजे, तो अभी 2:30 बज रहे हैं टाइम, आंटी भी हंस रहे देखो। फ्रेंड्स अभी उसको ऑक्सीजन लगाए है, वो बोले है और एक मरतबा लगाना बोल के, तो डॉक्टर साहब बेहतर है, उसकी तबीयत अभी बहुत अभी बलगम में है, थोड़ा सुधार आया है, तो अभी फीडिंग करा रहे हैं, तो पीछे है वहाँ पे, तो भी एक मरतबा अभी जाना है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्या बोलते हैं देखेंगे, अभी तो एक मरतबा ऑक्सीजन लगाए उसको,
चेक किए पूरा, तो और एक मतलब एडिशन करेंगे फिर लगाएंगे ऑक्सीजन। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फिर से हम लोग आ गए और यहाँ पर एक बेबी, तो अभी वहाँ पे पेशेंट को चेक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्लो बोल रही हूँ। अभी बेबी को दिखाना है हमारे अंदर, पाप बच्चे मेरे हैं क्या माँ? मैं तुम्हें मत देखो, तुम्हें इतने तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें डरते रहे तो। क्या हुआ? एक मिनट, बार बार ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इनको डर आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे आके बैठी हूँ फ्रेंड्स में। तो हस्बैंड साहब उसको लेके बैठे हैं वहाँ पे, ऑक्सीजन लगाया है बेबी को, इंजेक्शन हुआ, अभी फिर से ऑक्सीजन लगाए है। अभी बेबी का दो बार ऑक्सीजन भी हो गया और इंजेक्शन भी हो गया, तो अभी 3:30 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो हमारे घर से थोड़ा खाना लंच करेंगे, लंच होने के बाद हम लोग जाएंगे अम्मी के घर, तो फिर मंडे फिर आओ बोले हैं, और एक बार लास्ट ऑक्सीजन लगा देने जी, फिर उसके बाद नहीं कर बोले, अभी कम हुआ बोल रहे हैं फिलहाल के लिए, अभी मंडे आओ बोले। तो चलिए अभी घर जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बेबी को दवाई पिला रहे हैं, हमारा खाना हो गया, तो बेबी डॉक्टर साहब बोले बेबी अभी ठीक है आपका, तो मंडे के दिन एक बार दवा पिलाओ बोले। तो अभी जस्ट हमारा खाना हुआ, अभी अमीन सब अंदर लेके जा रहा है और यहाँ पे अनम खा रही है खाना। जब तक मुकम्मल आराम नहीं होता तब तक आप लोग दुआ कीजिए, हमारी यूट्यूब फैमिली से बोल रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी बेबी को दवाई पिलाए और चाय भी पिए, अब ये जाएंगे अपने ड्यूटी पे, क्योंकि अभी बच्चे को हॉस्पिटल दिखाया है तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये अनम कैट को खिला रही है केक, इसको ला के दे, वो उसको खिला रही है। तो ऑक्सीजन लगा रहे थे तो इंजेक्शन के पैसे ही नहीं थे, तो फिर भैया को बोले फ़ोन पे डालो भैया करके, फिर भैया 200 डाले, उसके बाद हमें पूरा उस गए थे पीछे, वहाँ पे नहीं लगी, तो हम लोग नारगोड़ आपके पास गए थे हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो ठीक हो गया 2-3 दिन में। अभी और एक बार जाना है, थोड़ा और थोड़ा कफ है बोले, माशाल्लाह हमारा बेबी आराम है, अभी थोड़ा खेल रहा भी है। 8 तारीख 9 तारीख तो 9-3 दिन हो गया, और उससे पहले वो हॉस्पिटल में गए थे 2 दिन, उससे पहले 5 दिन तो पूरा फिरने में गए हॉस्पिटल में। क्या करें, ऐसा रावना भी पड़ता है और बच्चों को देखना भी पड़ता है, जब तक हम कमाते नहीं है तो लगा बच्चों को सही तरीके से दिखा नहीं, नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो गया। फिर भी कल तुम्हारा अच्छा हुआ, फिर भी आज दिखाए नहीं, अच्छा हो गया। तो फ्रेंड्स अभी ये फिर जाएंगे ड्यूटी पे, तो मैं अभी जाऊंगी अम्मी के घर पे, तो वहाँ का भी थोड़ा अपडेट लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ भी हमारे भाई की बेटी का एंगेजमेंट है, तो देखती हूँ वो आएंगे तो थोड़ा थोड़ा ले लूँगी, मगर कल संडे घर के पास ही है वो, तो बड़ी बेटी का एंगेजमेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स इस विलाग को हम लोग यहीं पे, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अन्नू रो रही है हमारी, तो ये मेहंदी लगा ली है, मेहंदी कौन लगा मम्मा? दिखो डिजाइन, दिखो दिखो, गुड गर्ल, पैर में भी लगा ली है ये, देखिए यहाँ पे देखिए दुल्हन बन रही है ये कल, नहीं माँ दीदी के साथ तू भी दुल्हन बनती ना। तो फ्रेंड्स अभी इस व्लॉग को हम लोग यही पेंट करते हैं, क्योंकि अभी बड़ा हो जाएगा ये, तो अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ बनाने को नहीं मिलेगा व्लॉग, तो काम भी हो गया पूरा, बस अभी झाड़ के अम्मी के घर चली जाऊँगी मैं। तो ये जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, माहिन को भी लाएंगे, तो माहिन कपड़े चेंज करके यहाँ से अम्मी के घर आ जाएगी, तो मैं तो जाऊँगी, यहाँ पे पास में ही है, तो मैं चाबी ले जाओ अनिस को, माहिन को बुला लेगा। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं अम्मी के घर और ये चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोगों की दुआ लग गई बेबी को हमारे माशाल्लाह से, और भी थोड़ी दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि मंडे फिर लगाना है इसको और एक बार, जल्दी आ बोले हैं इंशाल्लाह मंडे के दिन जाऊँगी मैं, छोटा बेटा मंडे के दिन जाऊँगी हॉस्पिटल, तो दिखा कर आएँगे इंशाल्लाह मंडे के दिन, एक ही बार नहीं लास्ट लास्ट एक बार, और एक बार ख़त्म हो जाएगा उसका ऑक्सीजन का। तो चलिए बेबी तो हमारा ठीक है थोड़ा, बस आप लोग फिर भी मैं बोल रही हूँ दुआ कीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।